सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की सिफारिशों को मानते हुए रेलवे का 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है। रेलवे को इस बैंड के अंदर 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ है। इससे रेलवे की सेवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 5G सर्विसेज देने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले रेलवे ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। ट्रेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, ट्रेनों की देरी को कम किया जा सकेगा। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी इस स्पेक्ट्रम पर बेहतर काम करेगा, यानी एक्सीडेंट कम किए जा सकेंगे। साथ ही प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन में CCTV कैमरे लगेंगे, जिनकी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम होगी और रेलवे का घाटा कम होगा। कुल मिलाकर इस स्पेक्ट्रम से रेलवे को एक विश्वसनीय वॉइस, वीडियो और डेटा की सेवा मिलेगी। जो ये 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में दिया गया है, उसमें भारतीय रेलवे एक LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन सिस्टम लगाने जा रही है, जो कि कम्युनिकेशन बैकबोन की तरह से काम करेगा और उसका सीधा सीधा फायदा सुरक्षा से कंसर्न और लाइन कैपेसिटी, मतलब जो ट्रेनों के आवागमन का समय है उसमें कमी आने में सबसे बड़ा फायदा होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ का निवेश होगा। प्रोजेक्ट अगले 5 साल के अंदर पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट में सरकार घरेलू कंपनियों को तरजीह देगी और पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर सिस्टम बन सकेगा। Ultimately, with the focus being on captive usage, the intent is not to enhance any Wi-Fi facilities available to end customers. However, the focus will be on safer and faster travel, contributing to enhanced revenues to the railways. रेलवे स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कमर्शियल सेवा देने के लिए नहीं कर सकेगा, लेकिन रेलवे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एसेट मॉनिटरिंग के जरिए अपने कोच, वैगन्स, लोकोस का बेहतर मैनेजमेंट कर सकेगा। असीम मनचंदा के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली।